12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है और इंडिया न्यूज पर लगातार आप महा कवरेज देख रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से इस पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए सुबह से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकृष्ण जुड़े हुए हैं, सतीश पेडनेकर वरिष्ठ पत्रकार सेफोलॉजिस्ट, रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी है और अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। हम लगातार ये बहस जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर्स जो सभी 121 सीटों पर फैले हुए हैं, इनमें से कुछ की रिपोर्ट्स अभी आपको दिखाते हैं। पीलीभीत में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, लंबी कतारों में लोग जा रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हुए हैं सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग नंबर 253 है, ये महिला राजकीय महाविद्यालय है जहां पर पोलिंग सेंटर बनाया गया है। करीब 8 पोलिंग बूथ हैं और सिक्योरिटी की दृष्टि से काफी सख्त सुरक्षा इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 15 पैरामिलिट्री फोर्स है ये वो लगाई गई है, आरएसी की 5 कंपनी यहां पर लगाई गई है पूरी पीलीभीत में, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला है पीलीभीत में। मेनका गांधी इस बार एक बार फिर से चुनाव मैदान में, पिछली बार उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव मैदान में थे, लेकिन पिता की सियासत की विरासत की दुहाई देते हुए वरुण गांधी सुल्तानपुर चले गए और एक बार फिर से मेनका गांधी यहां पर हैं। लड़ाई मुद्दों की थी और मुद्दे यहां पर कौन कौन से हैं जो वोट डालकर आए हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्या आपसे जानना चाहूंगा, मेनका गांधी एक बार फिर से किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? हमने तो साहब वोट इस मुद्दे पर डाला है कि हमारे शहर का, हमारे जिले का विकास होना चाहिए और बहुत पीछे हो रहा गया है। मेनका गांधी यहां पर रही, उन्होंने आपकी जो समस्याएं हैं वो सुन ली? कोई खास काम नहीं करा, कोई विकास नहीं किया। मोदी तो विकास के नाम पर ही वोट मांग, अब वो मांग रहे हैं, वो अब देखते हैं क्या होगा। आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्या मुद्दे रहे आपके? मैं चाहूंगा जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी अदर पार्टी की, और हम लोगों का मुद्दा तो यह रहता है कि सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती रहे और हमारे शहर का विकास होता रहे। आपसे जानना चाहूंगा किस आधार पर आपने वोट डाला? विकास और रोजगार युवाओं के लिए। क्या पहली बार वोट डाला आपने? नहीं, दूसरी बार जी। क्या आप, बड़ी महंगाई रही है, महिलाओं को किचन में बड़ी परेशानी रही है, क्या रहा इस बार? नहीं, वो तो है ही, महंगाई तो बहुत है इस बार। महंगाई कम करने के लिए ही जो सही रहेगा उन्हीं को वोट देंगे, अब वही चुने जाएंगे इसमें। पीलीभीत के मतदाता हैं जिनका साफ कहना है कि जो विकास करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए और विकास के नाम पर ही उन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। कैमरा मैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज पीलीभीत। इस वक्त हम हीरानगर में खड़े हैं और हीरानगर पोलिंग स्टेशन पे हैं इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल में, और आपको बता दूं ये वही इलाका है जो एक साल में 2 बार आतंकी हमले झेल चुका है, मगर उसके बावजूद आप देख सकते हैं लोग यहां कतारों में खड़े हैं अपनी स्लिप्स के साथ कि उनका जो है नंबर आ सके और वो वोट अपना जो है वो कास्ट कर सके, इंतजार कर रहे हैं। चलिए पहले यहां बात करते हैं कुछ लोगों से, खासतौर पर महिलाएं जो है यहां पर हैं। आप बताएंगे कि आप कब से यहां खड़ी हैं और क्या सोच के वोट कर रही हैं? वेल, सोचा तो यही है कि अच्छी गवर्नमेंट आए, जो यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे पहले वो दूर हो, और 10-15 साल से जो कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसने इतनी अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन फैलाई है बस वो दूर हो। हमारा वोट तो है मोदी सरकार को और हम चाहते हैं बस मोदी सरकार आए और करप्शन दूर हो और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। यहाँ आतंकी हमला भी हुआ था कुछ दिन पहले भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, कोई डर या खौफ कोई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एज यूजुअल जो रूटीन चलती है वही चल रही है, कोई डर नहीं है। आप देख सकते हो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोट दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। तो आप सुन सकते हैं किसी तरह का डर या खौफ यहाँ पे नहीं है। एक और शख्स हमारे साथ हैं जो वोट डालने आए हैं, आप बताएंगे किसी तरह का कोई खौफ, यहाँ आतंकी हमला भी हुआ था? इधर कोई खौफ की तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो होते रहते हैं। क्या सोच के आप वोट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं डेवलपमेंट हो, चेंजिंग हो, अच्छे नेता है, लोगों को बताएं क्या किया है। तो आप सुन सकते हैं ये जो इलाका है हीरानगर का, बेशक आतंकी हमले यहाँ पे हो चुके हैं, बॉर्डर का इलाका है, मगर लोग जो है वो चेंज के लिए वोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार जो है ये चुन के ला सके, और इसीलिए आज उम्मीदवार चुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, हीरानगर। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मुरादाबाद में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो गई थी, लोग वोट डालने के लिए बड़े उत्सुक हैं और काफी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। हमारे साथ पहले वोटर मौजूद हैं जो सबसे पहला वोट डालकर आए हैं। हाँ। आप क्या सोचकर आज सुबह वोट डालने आए थे? ये सोच कर आए हैं कि भाई ये सरकार जो चल रही है इसको बदलना है, क्योंकि इसने अच्छे काम नहीं करे,
बेटियों का इज्जत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। बड़ा बदलने के लिए आए हैं, जिससे अच्छा सरकार आवे, बढ़िया काम करे। मुरादाबाद से पहले वोटर थे जिन्होंने वोट डाला, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इसके अलावा युवा भी यहाँ पर काफी सारे मौजूद हैं। वोट डालना यहाँ पर शुरू हो गया है, इस लाइन में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर युवा भी काफी सारे मौजूद हैं। लोगों का यही कहना है कि इस बार मुद्दों को ये वोट देने के लिए आए हैं, इलाके में विकास की बहुत जरूरत है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या सोचकर सुबह सुबह वोट डालने आए हैं आप? जी ये मेरा पहला वोट होगा और उद्देश्य यही है कि कुछ बदलाव ला सकते हैं तो वो कोशिश करी जाए। तो जो सिस्टम चला आ रहा है तो उसको बदलने के लिए अगर एक अल्टरनेटिव पार्टी आ सकती है तो हम उसको वोट देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो कुछ अलग करें। जो 10 साल से पिछले होते आए कांग्रेस सरकार के गवर्नेंस में वो बदले और उम्मीद करेंगे कि अल्टरनेट पार्टीज कुछ अलग करें। हमारे साथ एक युवा वोटर थे जिनका पहला वोट है, साफ तौर पर लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि इस बार मुद्दों को वोट देंगे। तो ये मुरादाबाद से आप देख रहे थे हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के जोधपुर, जहां से ललित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ललित ये बताइए कि वहां के वोटर, वहां का एक तो वोटर टर्नआउट कैसा है सुबह से, और दूसरा किस चीज के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जोधपुर ऐसी जगह है जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ग्रहण करे, और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बूथ है जहाँ पे अशोक गहलोत कुछ ही देर में वोट डालेंगे। यहाँ तक मुद्दों की बात करें, यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे हावी है, स्थानीय जो मुद्दे थे उनकी कोई जिक्र नहीं करा। लोगों का एक ही मन है कि जो 10 साल से सरकार चल रही है उसको बदलने की बात ज्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गहलोत ने अच्छे काम भी किए। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे आखिर ये क्या चाहते हैं। आप बताइए आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या चाहते हैं आप? महंगाई में कमी हो, महंगाई बहुत बड़ी हुई है उसको रोकने के लिए हम वोट करेंगे, और अच्छा प्रशासन और ये जो बलात्कार के कांड हो रहे हैं इनको रोक लगाने के लिए सरकार को। आप बताइए आप युवा हैं, आप किसको वोट देंगे, क्या सोच के आप वोटिंग कर रहे हैं? वोट सोचिंग कांग्रेस पहले आई थी, कुछ अच्छे काम राजस्थान में अशोक जी ने किए थे, मगर पीछे जो भी नेता थे उनके पीछे उनके वजह से कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा है, कम वोटों से जीते थे, और अब हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी आए और उनको जीत दी रहे। आप बताइए आप बुजुर्ग हैं, आप किस सोच से वोट दे रहे हैं? मैं देश में जो आतंकवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो ये चल रहा है उसके विरोध में इसको वोट देंगे। चलिए ललित, ललित हमारे साथ स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट हैं अनुज गुप्ता, आपसे पूछना चाहते हैं अनुज जी, अशोक गहलोत का इलाका है, मोदी के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं। ललित जी देखिए, ललित जी अशोक गहलोत यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 8 में से 7 सीटें भाजपा जीत गई और केवल अशोक गहलोत जीत पाए थे। चंद्रेश कुमारी 1984 में कांगड़ा से और इस बार 2009 में यहां से चुनकर गई, यहां की बेटी हैं वो। पिछली बार उनके भाई महाराज गज सिंह जो हैं उन्होंने उनको समर्थन दिया था, इस कारण वो जीत पाई थी। इस बार सुना जा रहा था कि पिछले हफ्ते तक तो वो अपनी बहन के समर्थन में बाहर नहीं आए थे, क्या पिछले एक हफ्ते के दौरान उन्होंने कोई अपील जारी की है या क्या वो अपनी बहन के लिए बाहर निकले हैं क्या? जी बिल्कुल, एक हफ्ते में दौरान राज परिवार सड़क अपने महल से नीचे नहीं उतरा है, सिर्फ एक अखबार में जरूर आया है, लेकिन उसमें साफ तौर पे चंद्रेश कुमार को वोट देने की अपील नहीं की गई है। उसमें यही एक जिक्र था क्योंकि बार बार ये चर्चा आ रही थी कि राज परिवार चंद्रेश कुमार के साथ नहीं है, तो परिवार साथ है ऐसी अपील उस विज्ञापन के दौरान की गई थी, लेकिन चंद्रेश कुमार के समर्थन में राज परिवार तक नीचे नहीं उतरा। उनके भाई गज सिंह अब तक कहीं पर भी चुनाव प्रचार करते नहीं दिखेंगे, ना ही उनकी तरफ से कोई अपील देखने को मिली है। शीतल, इसका मतलब ये होता है कि आज के चुनाव में जो मंत्री साहिबा हैं उनके निकलने की संभावना घट जाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने यहां 1.5 लाख के आसपास के वोटों का एक गड्ढा छोड़ा हुआ है, और यदि उनके भाई उनके समर्थन में नहीं आए हैं तो बहुत कठिन परिस्थितियां होनी है। लेकिन महाराज गज सिंह के पास ऐसा क्या कारण हो सकता है जो अपनी सगी बहन के समर्थन में न उतरे? जी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रमुख महाराजाओं से और इनसे भी खास करके ये अपील की थी कि इस बार आप भाजपा के पक्ष में रहिए। वो भाजपा के पक्ष में खुलकर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए केवल इतना कि आप बहन के पक्ष में मत जाइए, और वो मुख्यमंत्री की बात मान गए हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, अपनी अपनी बहन का साथ छोड़ना
और मुख्यमंत्री का हाथ थामना कोई बहुत छोटा निर्णय नहीं है वहां के लिए। वैसे भी उनका पूरा परिवार अगर देखा जाए तो वो बीजेपी में ज्यादा है, कांग्रेस में भी है। निखिल कुमार को अगर देखा जाए तो वो भी उनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं। श्यामा को देखा जाए तो वो भी उनके दूर के रिश्तेदार लगती हैं। दोनों कांग्रेस के अंदर हैं। वहीं बीजेपी में देखा जाए तो एनके सिंह उनके साले लगते हैं। उनकी पत्नी जो एनके सिंह की है वो बहन लगती हैं महाराजगंज सिंह की। तो एनके सिंह, उदय सिंह जो कि उनके भाई हैं छोटे, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्णिया से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एनके सिंह खुद बीजेपी में चले गए। तो मुझे लग रहा है कि परिवार में भी बहुत ज्यादा शफलिंग हुई है। इसका भी एक कारण होगा कि महाराजगंज सिंह ने अपना कोई सीधा सीधा एजेंडा यहां पर साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के, लेकिन उसके चलते उनकी बहन को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है शीतल, ऐसा फिलहाल दिखाई देता है। ये जो है चंद्रेश कुमारी जी वापस इस चुनाव में कांगड़ा जाना चाहती थी, वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, वो जोधपुर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। कांग्रेस हाईकमांड ने मना कर दिया, सबको कहा गया कि जहां है वही आप चुनाव लड़िए। सिर्फ एक सीपी जोशी थे जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करके जयपुर रूरल में आए एक स्पेशल केस के तौर पे, और बाकी सब लोगों को कहा गया, यहां तक कि सचिन पायलट भी कहा गया कि आप अजमेर से ही लड़िए, वहां उनका बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है। और एक रीजन जो मेरे को समझ में आता है चंद्रेश कुमारी का, वो अपने बेटे को भी राजस्थान पॉलिटिक्स में लाके आगे बढ़ावा देना चाह रही थी। शायद गज सिंह जी की फैमिली को ये पहले तो बहन आई, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी फैमिलीज में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का झगड़ा होता है और विरासत जो है बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें डिविजन होते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये नहीं चाहते थे कि वो बेटा भी आए चुनाव में आगे और फिर बाकी और भी घर के लोग आए, तो इसको लेके जो है सचिन पायलट की बात कर रही थी। सचिन पायलट वोट डालने पहुंचे और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवा देते। काम को पसंद करेंगे और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया है बीजेपी ने विशेष रूप से राजस्थान और अजमेर के अंदर, उसको नकारते हुए पुनः कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। अभी तो बहुत जल्दी है, सुबह से वोट शुरू हुआ है और अभी तक अच्छे माहौल में चुनाव हुआ, और मैं समझता हूं कि जो भी मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और सही व्यक्ति को सही पार्टी को चुनकर भेजेंगे। प्रजातंत्र में जनता का जो आदेश है वो सबको स्वीकार होता है। अब तक जो प्रचार हमने किया वो राजनीति में जो मर्यादाएं होती हैं उन सीमाओं के अंदर रहकर किया। व्यक्तिगत आरोप लगाना और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ पिछले कुछ हफ्तों में भाजपा के द्वारा, वो बहुत शोभनीय नहीं है। इसलिए कांग्रेस में हम लोगों ने राजस्थान के अंदर बहुत गरिमा का परिचय दिया और सीमा में रहकर हमने विचारों का विरोध किया और व्यक्तिगत विरोध भी किया, तथ्यों के आधार पर किया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीति में इस प्रकार के और इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आसिफा खान बीजेपी की नेता जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक, राजस्थान की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की दखलअंदाजी से बहुत सारी टिकटों का बंटवारा हुआ, तो क्या जो डिसीजन लिए गए मुख्यमंत्री की दखलअंदाजी के बाद वो कहीं यहां सही उतरते बैठते दिख रहे हैं? देखिए शीतल, तीन राज्यों की बात मैं कह सकता हूं, तीन राज्यों जिनकी मुझे जानकारी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्रियों की कि आपको जिसको टिकट देना है आप दो, आप जिसको जितवा कर ला सकते हो उसको टिकट दो। और राजस्थान में भी कमोबेश यही हाल था, इसीलिए ज्यादातर टिकट वहां पर बदल दिए गए। मध्य प्रदेश में बहुत टिकट बदले गए और इन दोनों राज्यों में न केवल टिकट बदले गए बल्कि मुख्यमंत्री ने अपनी, मुख्यमंत्री और प्रदेश का जो इकाई है उन्होंने अपनी मर्जी के टिकट दिए। जिस तरह से जसवंत सिंह का टिकट काटा वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से लोगों को, पुराने लोगों को हटाया गया और नए लोगों को लाया गया, कर्नल सोनाराम जैसे। तो एक फ्री हैंड वहां पर दिया गया है राज्य के मुख्यमंत्रियों को। अनुज जी आपको बेहतर डाटा के साथ समझाएंगे कि राज्य में आखिरकार कितने लोगों के टिकट वहां पर काटे गए हैं। अनुज जी देखिए, राजस्थान में भाजपा के चार सांसद थे, उनमें से केवल तीन ही मैदान में है। एक की जगह राम सिंह कस्बा की जगह उनके पुत्र को उतारा गया मैदान में। जो 21 हार गए थे पिछली बार उनमें से केवल दो को इस बार टिकट मिली है, यानी 19 वहां बदल दिए गए। 25 में से एक की जगह राम सिंह कस्बा की जगह उनके पुत्र को उतारा गया मैदान में। जो 21 हार गए थे पिछली बार उनमें से केवल दो को इस बार टिकट मिली है, यानी 19 वहां बदल दिए गए। 25 में से 20 पुराने प्रत्याशी इस बार मैदान में नहीं है राजस्थान में भाजपा के।
मध्य प्रदेश में तो आज का जो चरण है जो 10 सीटें उनमें 8 भाजपा के पास हैं वर्तमान में, उनमें से 6 के उम्मीदवार बदल दिए गए हैं कैलाश जोशी भोपाल समेत मिलाकर के, और नरेंद्र सिंह तोमर सीट शिफ्ट करके ग्वालियर आ गए हैं। तो देखिए वहां भी 7 सीटों पर बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ को यदि लें तो 11 में से 10 पर भाजपा के प्रत्याशी पिछले चुनाव में जीते थे, बिल्कुल उनमें से 3 ऊपर चले गए। ये तमाम आंकड़े हम आपसे और भी लेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। और जिस तरह से सभी लोग जो वोटर्स निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं, बदलाव के नाम पर वोट डाल रहे हैं, क्या ये उसी लहर का सूचक है जिसकी चर्चा आजकल हर कोई करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम रिपोर्टर्स के पास चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।